अब तक हमने देखा सुगनी पिंकी को बचाने के लिए ठाकुरों से बैर मोल लेती है। सबके सामने ये बात खुलती है कि सुगनी अपने पिता ठाकुर ज्वाला सिंह के बेटे दिग्विजय से ही भिड़ी थी। ज्वाला सिंह इस बात को खत्म करने के लिए सुगनी को माफ कर देते हैं। गुलाबिया सुगनी पर बहुत नाराज होती है और उसे बेड़नी होने की मजबूरी समझाती है। तुम्हारे नसीब में बेड़नी बनना लिखा है। जिस पर सुगनी गुलाबिया से गांव छोड़कर शहर चलने की बात करती है। सुगनी शहर के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश में ठाकुर विक्रम सिंह को स्टेशन से लाने का काम लेती है, पर गलतफहमी में विक्रम सिंह को रिक्शे से उतार देती है। अब आगे। अरे अरे अब अभी तक उतरे नहीं, नहीं। कहा ना हमारे ठाकुर मालक आ गए, उतरो जल्दी। अरे उतर रहे, एक मिनट, जल्दी उतरिए। हमारे पत्थर पत्थर हाँ। अरे आराम से। अरे ये बैग हमारा। और चलिए 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 ठाकुर मालक। अरे ये क्या कर रही हो, ये बैग हमारा है। माफ कीजिए, हमसे देर हो गई, पर अब हम आ गए, हम आपको मवारी छोड़ देंगे। चलिए बैठिए 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 मालक, बैठिए। अब बैठिए, बैठिए, अब बस बैठिए। अरे तुम्हारे पैसे। चलिए ठाकुर मालक। अरे नहीं नहीं, आप नहीं उठा सकते, हम उठाएंगे। अरे लेकिन तुम ये मेरा सामान। चलिए ठाकुर मालक, आइए आइए ठाकुर मालक। वैसे आप अपनी खुशी से अगर कछु देना चाहें तो 140 से ज्यादा नहीं लेंगे। शाम तक हमें फोन करें, हम बात। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फोन पे बात कर रहा हूँ। परचू काका, परचू काका। क्या हुआ बिटिया? परचू काका क्या हुआ? जे कौन है, कौन है जे? आप ऐसे किसी को भी अंदर घुसने देते हो? आपसे पूछ रही है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप किसी को भी इस घर में घुसने देते हैं? हाँ जी, मोड़ी पगला गई है, कछु भी बोले जा रही है। अरे काका तुम? जय गोपीनाथ जी की, ठाकुर विक्रम सिंह। आइए जी, अब हम जा सकते हैं। सामान वैसे टैक्सी तो समय पर पहुंच गई थी ना? नहीं, टैक्सी तो कोई नहीं थी वहां पर। कैसे ना आई? आए कैसे आप? साइकिल रिक्शा से। रिक्शे से? हाँ, यही लेकर आई। माफी चाहते हैं, आपको तकलीफ हुई होगी। हमारी जिंदगी की आज तक की सबसे आरामदायक और सबसे यादगार यात्रा थी ये। तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई, बहुत ख्याल रखा है इन्होंने रास्ते में हमारा, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, पूरी खामोशी के साथ ये यहाँ पे लेकर आई हैं हमें। आइए अंदर आइए आइए। और सुनाइए क्या हाल चाल है? Na 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 na
किसका शोक मना रहे हो? सपने टूटने का? नहीं मिले ना पैसे? बेटा, हम बेड़नियों का और रात का बहुत गहरा रिश्ता होता है। सपने भी रात के, हम भी रात के, इसीलिए जी भर के सपने देख कि सपने ना देखकर हम उनसे धोखा तो नहीं कर सकते। बस सपने पूरे होने की उम्मीद मत कर, ये सपने तो दिन में पूरे होते हैं और हमारा सुबह से कोई नाता नहीं। एक बेड़नी के लिए गांव से शहर तक का सफर एक दिन का नहीं होता, बल्कि एक जन्म का होता है। एक बार बेड़नी चिता तक राई, जब हम बेड़नियों का हाथ कोई थामता है ना तो अपने मतलब के लिए थामता है, हमारी मदद करने के लिए कोई हाथ नहीं पकड़ता। और ये ठाकुर, इन्हें समझना, जानना, मुझे बहुत कुछ देखना बाकी है। जब इनको कोई गरज पड़ती है तो हम भागे भागे चले जाते हैं, हमें जरूरत पड़ती तो पलट कर देखते तक नहीं, और अगर कहीं नजर पड़ गई तो समझो गंगा स्नान तो है ही, सब एक ही मशीन से बने। मदद करना तो दूर, तो झूठे मुंह पूछने तक नहीं आता। चलो तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई। हमारी जिंदगी की आज तक की सबसे आरामदायक और सबसे यादगार यात्रा थी है। बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, पूरी खामोशी के साथ हमें यहां तक लेकर आई। नहीं मैं, शायद शायद सारे ठाकुर एक ही मशीन से नहीं बने होते, इन्हें बनाने वाली कोई और भी एक मशीन है। खींच के लपट चिची, तुम भी हाथ लगाओ ना, तुम तो मिले ही नहीं हमारी मोड़ी से। एक लगाई। अरे कहा गिलास किधर गया? हाँ, अरे मोड़ी तो ऐसे लात मार रही है जैसे कहीं बरसी ढोल में लात मार रही हो। हम हाथ धर के देखे का? अरे रुक रुक, क्या कर रहा है? मोड़ी के मुंह पे हाथ मत लगा। अरे सांस लेने में दिक्कत होगा ना। तो पता कैसे चलेगा कि मोड़ी का मुंह कहाँ और पैर कहाँ है? हाँ तो पता लगा ले जा। कहाँ सता रहे हो? तुम आओ देखो, जा देखना। देख ले, देख। सच बुरा ना होगा। प्यार से हाथ है ना। मोड़ी को समझ में तो आए कि बाप का हाथ है। कहाँ है इनके पेट में? हमें लात नहीं मार रही, हमारे छोटे भाई बहन। लेकिन वो पेट में कैसे चला गया? भगवान जी ने पहुंचाए। लात नहीं मार रही।
डरा के सुला दिए, दिखते हैं हमारी मौड़ी को। हाँ मामा 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 मामा, अरे निराश नहीं होते, हम बताते हैं ना। हाथ लो, हाथ रखो ऐसे प्यार से, ठीक है। अब आंखें बंद करो। हाँ अब महसूस करो, ठीक है। अरे घबरा मत, ये मोड़ी पैदा होकर जब तुम्हारे को समझाएगी ना तो रोज लात मारेगी। मारेगी मारेगी क्या होता है, इतना यकीन कैसे कि मोड़ी होगी? मोड़ा भी तो हो सकता है। अरे चुप, मारेंगे लप्पड़, नजर लगाएगी का? अरे इसके बोलने से क्या होता है, हमें पूरी तरह से लगा कि जो पैर हमारे हाथों से टकराए वो मोड़ी के ही थे। सही पहचाने तुम, अब तो मोड़ा ही होगा, देख ले। अरे इस बार मोड़ा हुआ ना तो तुम्ही बैठ के खिलाना, उसी बहाने तुम्हारे पैरों में घुंघरू तो बंधेंगे। मामा तुम्हारे भले के लिए तो कह रहे, सुनो सुनो। का सुने? अब वैसे भी तुम्हारा बुढ़ापा तो दूर है नहीं। बुढ़ापा? अब मतलब मोड़ी होगी तो वो तो चली जाएगी ना नाचने, मोड़ा होगा तो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारे हुक्के में अंगारा डालेगा, फिर दिन भर बैठकर गुड़ गुड़ करते रहना, ठीक है। जितना तुम्हारे जबान चलता है ना उसके आधे पैर चलते होते हैं ना, जीवन तर हो गया था हम सभी का। तुम्हारे को बता के कुछ फायदा तो है नहीं, क्योंकि तुम हमारे मरने के बाद ही नाचोगी, हमारे को अच्छी तरह से पता। हमने कब मना किया नाचने से? ठीक है, जिस दिन ये बच्चा होगा ना, चाहे मोड़ा हो या मोड़ी हो, उस दिन ऐसे जोर से नाचेंगे कि ऊपर से देवी देवता खिड़की खोल कर देखेंगे कि धरती पर क्या चल रहा है। अब मोड़ा मोड़ी जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी तो नाच के दिखा। जरा उसको जाकर रोक दो, हम जल्दी से तैयार होकर आते हैं। अच्छा ठीक है। प्रणाम ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? मवारी दिल्ली पे भारी पड़ गया ठाकुर साहब, खींच लिया आपको, और आपके पीछे पीछे हिम्मत करके आपके चाचा भी आए दिखते हैं। हमें तो लगा था कि अब इनके पैर मवारी के धरती पे कभी ना पड़ेंगे। जन्म का नाता है मवारी से,
अगले जन्म से पहले तो टूटने से रहा। अच्छा, हमें तो लगा कि गांव की गवार माई से रिश्तों की गांठ खोल के शहरी माई के गोद में जाके बैठे आप। आपके लिए कौन सी दिल्ली, कौन सी महुआरी? नहीं ठाकुर साहब, बदलती बेड़निया है, माई नहीं। उसने तो एक बार जन्म दे दिया सो दे दिया। बहुत घूम लिए यहाँ वहाँ ठाकुर साहब, अब सोचा है कि बस तो लौट आए हैं इत्मीनान से जिंदगी बिताने के लिए अपने महुआरी में हमेशा के लिए। थोड़ी जल्दी में है, आपको भीतर बुला के आपकी खातिरदारी ना कर पाएंगे। कभी आइए, सूचना भिजवा के कायदे से फिर बैठेंगे हम और आप। चाबी लेने आए हैं ठाकुर साहब। कहाँ की? अपनी पुश्तैनी हवेली की, जिसमें अब हम रहेंगे। हम कछु समझे नहीं ठाकुर विक्रम सिंह, हम दूसरे की हवेली की चाबी हमारे पास काय रखेंगे? हमारे पास तो उन हवेलियों की चाबियां रहती है जिन पर हम अपना हक समझते हैं। हल्दी हमारे भाई है, अब जो भी था वो इनसे कहो ठाकुरों के बीच मुंह खोलना ये बेशर्मी और बदतमीजी कहलाती है। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप ठाकुर साहब। अपने ठाकुर होने के साथ साथ अपने छोटे भाई नेता होने की दबंगई भी दिखा रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? सूरज है इतई के, ज्यादा निकट ना हो, जल जाओगे ठाकुर। ये तो वक्त बताएगा कि जलेंगे या सूर्य ग्रहण बन जाएंगे। सूरज कहते हैं खुद को यहां का। ठाकुर ज्वाला सिंह जी को छैया दिखाकर उनका अपमान तो ना करिए कम से कम। क्यों? चलते हैं ठाकुर साहब, जल्द मुलाकात हो। चले चाचा जी। ठाकुर मालक, एका आना ठीक नहीं हुआ। चुनाव सामने हैं और ताकत तो ते आज भी है इस गांव की। तोमर, जय विक्रम सिंह यहाँ के सर्दियों में उगते बाजरे जैसा है, बहुत उफान लेगा और सर्दियां जाने से पहले इसकी कटाई भी हो जाएगी। लेकिन हम नीम का वो सख्त पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक कड़ी हुई है। सर्दी हो तूफान हो कड़े रहेंगे और लोगों को छाव के लिए हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। कुछ नहीं बदलेगा। तुमर जी मालिक, इनसे कहो
जयनी चली गई। उनसे कहो अंदर जाए और रसोई संभाले, हमारे साथ देवताओं के दर्शन के लिए लायक नहीं जाए। आप हमें इस तरह का प्रेम दिखा रही थी उस कमीने हल्दी के लिए, उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मुंह बोले भाई का रिश्ता रखने की जगह बाकी रखी है का? कैसी है स्लिप? पहले खुद तो बोलना सीख लो, फिर हमें बताओ। जे क्लिप है। क्लिप? बिल्कुल सही। ठाकुर वाले अगर तू चंपा यहीं पर है। सकल देखो तुम जरूरी। शिवजी का दर्शन ना बीच में आके घुसेगा तेरे पापन और ना चप्पल के भीतर से काटा चुभेगा तुम्हें। हमारी तो जान ही निकाल के रख दी थी। अरे इतनी बड़ी आवाज देंगे फिर भी नहीं सुनोगे तो क्या करेंगे? आ, 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 नहीं 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 हमें अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। छोड़ छोड़, अरे टूट जाएगा हाथ, मत छोड़ ना हाथ, टूट जाएगा मत। तुम काहे खड़े खड़े हंस रही हो, रुको इसे। ना बाबा ना, तुम दोनों के आपस का मामला आपस में ही सोच लो, हम बीच का मंदिर काहे को बने। छोड़ देना हाथ, क्या कर रहे, छोड़ ना हाथ। ए सुगने, तुम तो शहर जाने वाली थी ना, गई नहीं का, यहाँ क्या कर रही हो? अरे हाँ, हमने तो 5 के बतासे भी चढ़ा दिए प्रसाद में, काहे नहीं गई तुम? उड़ के जाएगा है? पैसे नहीं जमा हुए। काहे नहीं जमा हुए? हमें तो ठकराइन देवी बताई थी कि तुम दिल्ली वाले ठाकुर को बहुत अच्छे से लेकर आई हो, अब खुशी खुशी में कोई भारी इनाम दिए होंगे। धूल मिली इनाम में, अब क्या बताएं क्या हुआ हमारे साथ। ए सुगनी, नमस्ते जी, आइए बैठिए। अरे तमाशा ना करो, ले दारू तो लेती नहीं है, दवाई लेके आ जाती। ऐसे ही तुमसे आधी उम्र की बेड़नी आने लगी है, इते आके ऐसे टीबी के मरीज की तरह खासोगी तो ठाकुर मालकों के सभा से रोटी नहीं, अपने और अपने घर वालों के लिए भूख की लेकर उठोगी। पायलिया बाले मंदिरा बाले मंदिरा बाले।
तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना नाम बदल कर सुगनी से अब सुगनी कर दो, क्योंकि जहां भी तुम जाती हो कछु ना कछु धम धमाके ही करके आती हो। पर ये कमाने धमाने के सपने छोड़, तुम्हारे बस की बात ना है। तुमसे तो भले ही है ना, अपनी माई और बहन को फ्राई पे भेज कर जो है खुद तीतर बितर मारते फिरते हो। सुगनी